देखिए ये लोग कितने चेहरे लगाकर बैठे हैं। जब ये लोग कैमरे के सामने एक फ्रेम में आ जाते हैं तो पहला विचार देश के सामने क्या आता है? पहला विचार देश के लोगों के मन में यही आता है, पूरा फ्रेम देख करके देशवासी यही बोल उठता है, लाखों करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार। इसलिए देश की जनता कह रही है कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है, कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। इनका प्रोडक्ट है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी, 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी। तो वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष के भ्रष्टाचार पर भी निशाना साधा, क्या कुछ कहा सुनिए जरा। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है, अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है, अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है, अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है, अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है, बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है, इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाली ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी दल जो बैठक कर रहे हैं वो देश के संविधान को बंधक बनाना चाहते हैं। ये लोग देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को अपना बंधक बनाना चाहते हैं। इनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, नफरत है घोटाले हैं, नफरत है घोटाले हैं, तुष्टिकरण है मन काले हैं, नफरत है घोटाले हैं, तुष्टिकरण है मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। साथियों, इनके लिए देश के गरीब के बच्चों का विकास नहीं बल्कि अपने बच्चों का, अपने भाई भतीजों का विकास मायने रखता है। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है, अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है, अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है, अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है
अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है, बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर इनमें बड़ी आत्मीयता है, बड़ा प्रेम है, इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाले ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। ये जो जमात इकट्ठी हुए हैं ना, उनके कुनबे में बड़े से बड़े घोटालों पर, अपराधों पर इनकी जुबान बंद हो जाती है। जब किसी एक राज्य में इनके कुशासन की पोल खुलती है तो दूसरे राज्यों के ये लोग फौरन उसके बचाव में तर्क देने लगते हैं। कहीं बाढ़ घोटाला होता है, किसी का अपहरण होता है तो कुनबे के सारे लोग सबसे पहले चुप हो जाते हैं। भ्रष्टाचार की इस दुकान में जुटे हुए ये सभी परिवारवाद के कट्टर समर्थक है। न खाता न वही, जो परिवार कहे वही सही। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लेकिन इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग, इन लोगों का मोटो है, इनकी यही प्रेरणा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। एक ऐसी कहानी, एक ऐसी खबर जिसकी चर्चा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में भी लगातार की जा रही है, जिसको लेकर तमाम सरकारें, प्रशासन जो है पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि ये कहानी है सीमा हैदर की। और सीमा हैदर से जुड़ी हुई हर बड़ी अपडेट सबसे पहले देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया लगातार आपको बता रहा है। और देखिए, शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। सीमा हैदर की FIR कॉपी